हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने तीन टाइप के कंपाउंड पढ़े थे, अल्केन, अल्कीन एंड अल्केन, ठीक है। उन सभी कंपाउंड की आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर स्टडी किया था, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे, उन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो अपने पास पहला क्वेश्चन दे दिया, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, कंपाउंड का नाम दे रखे हैं, हमें उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। कंपाउंड का नाम दे दिया, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे देखो। पहला जो कंपाउंड है, पहला जो पार्ट है वो क्या है, प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, प्रोपीन, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट, जिसके पीछे आया होगा क्या रूल होता है नेमिंग करने का। सबसे पहले तो क्या आता है, वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट के बाद सफिक्स, और इससे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स। समझाया, सबसे पहले वर्ड रूट पे फोकस करना, फिर उसके बाद सफिक्स। प्रीफिक्स तो यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, सिंपल कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स बाद में हम स्टडी करेंगे। तो देखो फिलहाल तो वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट यहाँ पे क्या है, प्रोपीन में वर्ड रूट क्या है, प्रोप, ठीक है। प्रोप का मतलब क्या होता है, तीन कार्बन यहाँ पे लेके चलना, तीन कार्बन यहाँ पे लेके चले, अच्छा। उसके बाद हम बात करते हैं सफिक्स। सफिक्स मीन्स ये जो कंपाउंड है वो अल्कीन है या अल्काइन है, इस पे फोकस करना है। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं EN मतलब अल्कीन आ गया। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, जब भी वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, अल्कीन। अब यहाँ पे कुछ नंबर नहीं दे रखा, 1, 2, 3, 4 कुछ नंबर नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख लो, दिस इज प्रोप 1E, सही है। मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा वो कौन से कार्बन से स्टार्ट होगा, पहले कार्बन से। तो क्या करूं, इन आ रहे मतलब डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले कार्बन से। तो डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच वाला ही करेगा। तो ये मान लो अपना फर्स्ट कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, फर्स्ट और सेकेंड में। अब सेकेंड और थर्ड में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सही है। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की, जो अपना पहला कार्बन था उसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड कार्बन की बात करूँ, 1, 2, 3 एंड 4। थर्ड कार्बन की बात करें तो थर्ड कार्बन की वैलेंसी भी 4 होनी चाहिए, फर्स्ट वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, सही है। तो सभी की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। अपने पास कंपाउंड क्या बना, दिस इज CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये आता है, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये सिंपल फॉर्म में है, तो अपना स्ट्रक्चर बनता ही है। दूसरा लेके चलो, दूसरा कंपाउंड है ब्यूट 2-ईन। तो बताओ भाई वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, सही है। 2-ईन, ईन मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड कार्बन से। तो नंबर करना मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो डबल बॉन्ड से क्या स्टार्ट होगा, सेकेंड कार्बन से क्या स्टार्ट होगा, डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड के बीच में आएगा। तो सेकेंड और थर्ड कार्बन में क्या लगा दो, सेकेंड और थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी जो बचे उसमें सिंगल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन की वजह से कंप्लीट करोगे 1, 2, 3, 4, सही है। यहाँ पे आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3 and 4. एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर लो, क्या आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये आता है। ओके, तीसरे कार्बन का हेप्ट 3 आयन, तो हेप्ट 3 आयन में देना हेप्ट का मतलब क्या होता है, 7 कार्बन, वर्ड रूट क्या है यहाँ पे हेप्ट, हेप्ट मतलब 7 कार्बन होने चाहिए, 7 कार्बन यहाँ पे होने चाहिए। ओके, 7 कार्बन हो गए। अब 3 पे क्या प्रेजेंट है, YNE, मतलब यहाँ पे जो सफिक्स होगा वो आयन होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट होना चाहिए, थर्ड कार्बन से, तीसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होना चाहिए। तुम्हारा हमने नंबर देना स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेफ्ट से भी नंबर कर सकते हो और राइट से भी कर सकते हो, मान लो लेफ्ट से कर दिया। अब तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ट्रिपल ये जो तीसरा कार्बन है यहाँ पे क्या लगा दो, तीसरे चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, जो बाकी बचेगा उसमें क्या आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ गया बाकी में सिंगल और तीसरे चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड। अब इनकी वजह से कंप्लीट कर लो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, सही है। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करोगे CH3, CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो ये अपना हेप्ट 3 है, कर लोगे। चौथे कार्बन की बात करें, चौथा क्या है, मीथेन, मीथेन मतलब वर्ड रूट क्या है, मीथ, मीथ मतलब एक कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया सी। मीथेन वर्ड रूट मीथ, मीथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब अल्केन है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो भाई क्या है सिंगल बॉन्ड तो होगा कार्बन कार्बन के बीच में, पर यहाँ तो केवल एक कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो 1, 2, 3, 4 मतलब हमने पास क्या मिल गया CH4, तो दिस इज मीथेन। अगला कंपाउंड क्या है, पेंट टू इन, पेंट का मतलब क्या होता है, मतलब वर्ड रूट क्या है यहाँ पे, पेंट, पेंट मीन्स 5 कार्बन, तो 5 कार्बन यहाँ पे लगा दो। सेकंड कार्बन पे क्या आना चाहिए, इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, तो सेकंड कार्बन से स्टार्ट होगा डबल बॉन्ड, तो सेकंड ही रहा, सेकंड और थर्ड पे क्या आना चाहिए डबल बॉन्ड, और बाकी पे क्या आना चाहिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो, तो यहाँ पे आ गए CH3, यहाँ पे आ गए CH, CH, CH2, CH3, कर लेना वो वैलेंसी का कोडिंग, ठीक है। लास्ट कंपाउंड है Oct-1,5-diene, ये थोड़ा सा अलग कंपाउंड है, देखो किस टाइप से। सबसे पहले तो क्या करो, वर्ड रूट पे ध्यान दो, वर्ड रूट क्या है, ओक्ट, ओक्ट मतलब 8 कार्बन, ओके, 8 कार्बन हो गए, अच्छा 1,5, बाकी में तो क्या थे, एक एक नंबर दे रखा था ना बाकी कंपाउंड में, जबकि यहाँ पे 2 नंबर दे दिए। अगर मान लो डबल बॉन्ड की बात करें, किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड 2 टाइम आ जाए, अगर 2 टाइम डबल बॉन्ड आ रहा है तो किसका यूज करोगे, डाई का, DI, अगर डबल बॉन्ड 3 टाइम अगर आता है तो क्या यूज करोगे, ट्राई। अगर डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में 4 टाइम अगर आता है तो किसका यूज करोगे, टेट्रा का, इस टाइप से चलता है।
ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज्यादा टाइम में आए तो डाई ट्राई टेट्रा इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डाई, डाई मतलब डाई इन, इन मतलब क्या डबल बॉन्ड है। अच्छा तो ये जो डबल बॉन्ड आएगा वो कितने टाइम आएगा, दो टाइम, टू टाइम होता है। अगर मान लो यहाँ पे होता ट्राई, अगर यहाँ पे ट्राई होता तो डबल बॉन्ड कितने टाइम होता, तीन टाइम। तो फिलहाल तो यहाँ पे क्या है, डाई दो टाइम, डाई लगा है ना, डाई है तो क्या होगा, टू टाइम होगा। तो डबल बॉन्ड को दो टाइम लेके चलोगे, कहाँ कहाँ पे, एक तो फर्स्ट कार्बन पे और एक फिफ्थ कार्बन पे। तो देखो आप कार्बन लगा दिए, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहला कार्बन कौन सा है, पहला कार्बन यहाँ, तो यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं पहले कार्बन से। अगला कौन सा, फिफ्थ, तो फिफ्थ ये, तो यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड है फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में, मतलब फिफ्थ कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला गया, सिक्स्थ कार्बन तक। ओके पता लग गया, अब इसकी वजह से कंप्लीट करना, वन टू थ्री फोर, ठीक है, ये कंपाउंड आता है, कर लोगे इसको अदर फॉर्म में लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 CH। ओके तो ये कंपाउंड अपने पास आए हैं। तो ये कुछ कंपाउंड के नाम दे रखे थे, उनका स्ट्रक्चर बनाना था, तो ये अपने पास है, ठीक है, कर लोगे। अच्छा हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। अपने पास कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो अपने पास पांच कार्बन है, सॉरी पांच कंपाउंड है, तो इन पांचों कंपाउंड की नेमिंग करोगे, तो ये होमवर्क है, इस कंपाउंड की नेमिंग घर से करके लिखना है, ठीक है, कर लोगे। वैलेंस की डबल बॉन्ड का भी दे रखे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का भी है, सिंगल बॉन्ड का भी है। तो कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करनी है एज ए होमवर्क। ओके तो ये करना है। ओके उसके बाद देखो एक टॉपिक है वो देख लेते हैं, अल्केन पढ़ लिया, अल्कीन पढ़ लिया, अल्काइन पढ़ लिया, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है अल्काइन। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन रिप्रेजेंट बाई आर वैलेंसी, ठीक है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़ने के बाद अपना लास्ट पॉइंट है अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, देखो देखो अपने पास मान लो अल्केन कंपाउंड है, अल्केन कंपाउंड लिया, क्या फॉर्मूला होता है अल्केन का, सी एन एच टू एन प्लस में टू, दिस इज अल्केन। इफ अल्केन मॉलिक्यूल्स लॉस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, अगर अल्केन, अल्केन कंपाउंड एक हाइड्रोजन एटम लॉस कर दे, तो लॉस करने के बाद जो कंपाउंड आएगा वो क्या कहलाते हैं, अल्काइन। समझ आ गया, अल्केन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम लॉस करेगा, सी एन एच टू एन प्लस टू माइनस वन, एक लॉस कर रहे हैं, एक लॉस करेगा तो क्या आ गया, सी एन एच टू एन प्लस वन और साथ में वैलेंसी, तो दिस इज अल्काइन। चलना आगे होगा, अगर अल्केन कंपाउंड, अगर अल्केन कंपाउंड एक हाइड्रोजन एटम लॉस कर दे, तो लॉस करने के बाद जो कंपाउंड आएगा वो क्या कहलाता है, अल्काइन, ठीक है। एक हाइड्रोजन लॉस करने के बाद ये बनता है, डेफिनेशन देखो क्या डेफिनेशन होती है, ओके डेफिनेशन देखो भाई, व्हेन अल्केन कंपाउंड लॉस वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स फॉर्मूला, अगर अल्केन कंपाउंड एक हाइड्रोजन एटम लॉस कर दे अपने
केमिकल फॉर्मूला से तो हमें क्या मिलेगा, अल्काइल कंपाउंड प्रिपेयर होता है, जिसके मान लो यहाँ पे अल्केन था ना, अल्केन CnH2n+1, एक हाइड्रोजन लॉस करेगा तो लॉस करने के बाद क्या बन गया CnH2n+1 और साथ में एक वैलेंसी, देन दिस कंपाउंड इज नोन एज अल्काइल, वो क्या कहलाते हैं अल्काइल कहलाते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी और केमिकल फॉर्मूला अल्काइल का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी CH4, क्या नाम है इसका, मीथेन, अल्केन है, एक हाइड्रोजन एटम लॉस करा दो, एक हाइड्रोजन एटम लॉस होगा तो लॉस होने के बाद क्या बनेगा CH3 और साथ में वैलेंसी, तो क्या होगा AnE को हटा देना, AnE यहाँ से हट जाएगा और क्या एडिशन कर दोगे YN, अल्केन में से AnE को हटा दो, AnE को हटा के YN ऐड कर दो बस, तो मीथेन था AnE हटा दो एडिशन कर दो YN, तो क्या बन गया दिस इज मिथाइल। ठीक है, कर लो भाई, और भी कंपाउंड आएंगे तो वो कंपाउंड हम अगले लेक्चर में स्टडी करते हैं। तो अल्काइल क्या होते हैं और कुछ हमने क्वेश्चन करे हैं, तो अगले लेक्चर में हम अल्काइल के बारे में और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो स्टडी करेंगे।